हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवेंद्र तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स कितने तरह का होता है और कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स के बारे में समझेंगे कि उसका फंक्शन क्या है और उसका सोर्स क्या है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मिनरल्स माने न्यूट्रिएंट। जैसा कि आपने अगर मेरा पहले का वीडियो देखा होगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या हुआ, एक तरह का न्यूट्रिएंट हुआ। दोस्तों, हम लोग न्यूट्रिएंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है मैक्रो मिनरल, एक होता है ट्रेस मिनरल। मैक्रो माने लार्ज अमाउंट, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा मिनरल जिसका हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं मैक्रो मिनरल, और जिसका हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट कम होता है, यानी कि अगर आपके फूड में, डाइट में ज़रा सा भी वो क्वांटिटी में आता है तो वो सफिशियंट रहेगा आपके बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसको बोलते हैं ट्रेस मिनरल। आइए एग्जांपल से समझते हैं कि मैक्रो मिनरल में कौन कौन से आपके मिनरल्स आएंगे। सबसे पहले इसमें आएगा सोडियम, अगला है पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और लास्ट में फॉस्फोरस। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके मैक्रो मिनरल के। हमारे बॉडी को ये सब मिनरल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मैक्रो मिनरल के कैटेगरी में रखा गया है। दोस्तों, अगला नंबर है आपका ट्रेस मिनरल, माने कि ऐसे मिनरल जिसका हमारे बॉडी में रिक्वायरमेंट तो है लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। दोस्तों, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रेस मिनरल के एग्जाम्पल में आएगा सबसे पहले आयरन, उसके बाद जिंक, आयोडीन, मैग्नीज एंड कॉपर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके ट्रेस मिनरल के, जो कि आपको बॉडी में अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। दोस्तों, अब एक चार्ट के हेल्प से हम समझेंगे कि एसेंशियल मिनरल्स के बारे में, कौन कौन से एसेंशियल मिनरल हैं, उसका बॉडी में क्या फंक्शन है और उसका क्या सोर्स है। तो दोस्तों, एसेंशियल मिनरल के कैटेगरी में सबसे पहले आता है कैल्शियम। सबको पता है कि कैल्शियम का बॉडी में क्या रोल है। कैल्शियम जरूरी होता है हमारे बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए। अगर इसके सोर्स की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क, चीज़, योगर्ट और लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि ब्रोकली और होल ग्रेन सीरियल्स। दोस्तों, ये सब कुछ एग्जांपल हैं आपके कैल्शियम सोर्स के। अगर आप ये सब अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपको कैल्शियम का डिफिशेंसी नहीं होगा। दोस्तों, एसेंशियल मिनरल की कैटेगरी में नेक्स्ट नंबर है आयरन का। आयरन का हमारे बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लंग से पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है आयरन। अगर आपके बॉडी में आयरन की डिफिशेंसी होगी तो आपका बॉडी ऑक्सीजन को ठीक से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। और आयरन का एक और इंपॉर्टेंट रोल है कि वो हेमोग्लोबिन बनाता है, और हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले आता है पूरे बॉडी में। तो अगर आपके डाइट में आयरन का डिफिशेंसी होगा तो आपको एनीमिया भी हो सकता है। दोस्तों, अगर इसके सोर्स की बात करें तो ड्राइड फ्रूट सच एज रेजिन्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे कि ब्रोकली, व्हीट, ओट्स, और फ्रूट्स की अगर बात करें तो एप्पल एंड पोमेग्रेनेट, ये सब कुछ सोर्स है जिससे कि आपको आयरन की डिफिशेंसी नहीं होगी। दोस्तों, एसेंशियल मिनरल की कैटेगरी में नेक्स्ट नंबर आता है पोटेशियम का, और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि हमारे मस्कुलर सिस्टम पे और नर्वस सिस्टम पे अच्छा काम करती है। यानी कि पोटेशियम की अगर डिफिशेंसी होगी तो आपको मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, अगर इसके सोर्स की बात करें तो बनाना, टोमेटो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच, ब्रोकली, और फ्रूट्स की बात करें तो सिट्रस फ्रूट जैसे कि ऑरेंज, ये सब कुछ फ्रूट्स हैं जिससे कि आपको पोटेशियम की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एसेंशियल मिनरल की कैटेगरी में नेक्स्ट नंबर आता है आयोडीन का, और आयोडीन का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जब हम लोग समझेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में तो आपको बताएंगे कि थायराइड हार्मोन का क्या क्या रोल होता है, लेकिन अगर आयोडीन का डिफिशेंसी है तो थायराइड हार्मोन कम बनेगा, जिस कारण से आपको कई प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर इसके सोर्स की बात करें तो इसका एक ही सोर्स है, आयोडाइज सॉल्ट। आपको ऐसा सॉल्ट यूज़ करना है जो इसमें आयोडीन हो, तो आपको आयोडीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। दोस्तों, एसेंशियल मिनरल की कैटेगरी में नेक्स्ट नंबर है जिंक का, और सबको पता है जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, और कहीं अगर कट गया या कोई घाव हो गया तो उसमें भी जिंक जो है हेल्प करता है जल्दी से घाव भरने में और कट को सुखाने में। दोस्तों, अगर इसके सोर्स की बात करें तो मीट, चिकन, कैश्यू, आलमंड, पीनट एंड बीन्स, ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जिससे कि आपको जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताया कि मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, और कुछ एसेंशियल मिनरल के बारे में समझा कि उसका फंक्शन क्या है और उसका सोर्स क्या है। दोस्तों, आज तक आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। बाय।